गुड मॉर्निंग आप सबको, मारिया अरसलान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज वेडनेसडे है और क्या कहते हैं, वल्दान की तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरे इतने ज़्यादा कपड़े जमा थे बारिश की वजह से, धोने में ही नहीं आ रहे थे, तो मैंने लगा ली वॉशिंग मशीन। धूप निकली हुई थी तो मैंने सोचा कपड़े धो लूँ, मगर क्या हुआ, सीन कुछ ऐसा हुआ कि धूप थी, अचानक से आ गए बादल और फिर इस तरह का कुछ मंज़र सूरत हाल हो गई और फिर मुझे कपड़े ना धो ही नहीं सकी मैं। आसमान देखे आप लोग, इतने ज़्यादा बादल आ गए, थोड़े बहुत ही कपड़े धुले थे मैंने, फिर जो है ना वॉशिंग मशीन हटा दी। आसमान पर पूरे काले बादल छा गए थे, इतना अच्छा मौसम हो गया माशाल्लाह आज का। मैं आप लोगों को अपने रूम की ना बैक वाली विंडो से भी दिखाती हूँ किस तरह का जो है ना मौसम हो रहा था। ये देखें व्यूअर्स, ये मेरे रूम की जो है ना बैक साइड वाली विंडो है, वहाँ से ये एरिया नज़र आता है। बहुत ही हसीन मौसम हो रहा है माशाल्लाह से। हैदराबाद में बहुत अरसे से ना बारिशों का सिलसिला चला हुआ है, मौसम इतना खुशगवार हो रहा है। और ये देखें यहाँ पे, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाती हूँ, हैबिट की जो शॉप भी है, आउटलेट भी है यहाँ पे हैबिट की, हमारे घर के बैक साइड पे। बस फिर मौसम इंजॉय करने लगे और फिर थोड़ी देर बाद हमने कहा कि विल्दान का जो पूल है, वाटर पूल, इसमें डाल देते हैं क्योंकि मौसम इतना अच्छा था। फिर यहाँ पे बच्चे जो है पूल में इंजॉय करने लगे। फिर हम आ गए नीचे, ये स्टेयर से नीचे आके ये है हमारा किचन। और फिर हमने सोचा क्या कहते हैं, मौसम इतना अच्छा है क्यों ना जो है ना पूरियां वगैरह बनाई जाए। तो फिर हमने ये आलू बॉईल करे, चने बॉईल करे, हमने छोले आलू का साग बनाया, पूरियां बनाई और जो है इमली चटनी के लिए मैंने यहाँ पर जो है ना ये इमली ले ली, फिर इसे भिगो दिया था चटनी के लिए। और ये हमारा जो है डो रेडी हो गया था पूरियों का, इसे फिर हमने कवर कर दिया था प्लास्टिक से। अब मैं आप लोगों को जाके दिखाती हूँ, जो है हमारे रोड पे ना पानी भर गया, बच्चे बाहर खेल रहे थे गेट पे ही, तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्यू बना लूँ। और भाई ये हमने एक दीवार बना दी थी कि हमारे घर में पानी आ जाता है, तो इससे जो है ना हम पानी को घर में आने से रोक लेते हैं। और यहाँ पर बच्चे जो है भी घूम कर ही आ रहे हैं, गाड़ी में बाहर से घूमने चले गए थे बारिश में। ये हमारे जो है रोड पे पूरा पानी भर गया बहुत ज़्यादा। और भाई बच्चों ने तो बहुत ही मस्तियाँ की बारिश में, घर में तो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और फिर हम आ गए रूम में, मैं बहुत थक गई थी तो रूम में आ गई थी। फिर बारिश के बाद जो है ना बहुत ही तेज़ ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई थी। और ये विल्दान जो है अपनी दादी से बातें कर रहे थे। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो को, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे ना कमेंट में बताएं कि मैं किस तरीके की वीडियो बनाऊं। और यहाँ पर जो है ना विल्दान खेल रहे थे, विल्दान का मूड जो है ना थोड़ा ठीक हो गया था, वरना सुबह जब विल्दान उठे थे ना विल्दान के, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तबीयत ठीक नहीं है, इसका मूड ठीक नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से विल्दान का जो है मूड ठीक हो गया था। और यहाँ फिर हमने की अपने तोते से बहुत सारी बातें, आपको पता है विल्दान इतना खुश हो रहे थे तोते को देखने के बाद, तोते को तोता बोल रहा था तो
फिर कितना लॉन्ग बहुत खुश हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं भी इसे तोता लूँ फिर जो। और फिर जो हमने अपना डिनर ऑर्डर किया था वो भी हमारा रिसीव हो गया था और फिर हम यहाँ पर अपना डिनर करने लगे। भाई रात के 4:15 बज गए लेकिन वल्दान सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वल्दान को पता नहीं क्या हो गया था बारिश में नहाने वाने के बाद कि वल्दान को नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने सारी कोशिशें कर ली वल्दान को खाना भी खिला दिया मगर वल्दान को सोना ही नहीं था। माशाल्लाह से वल्दान 8 मंथ्स के हो गए हैं, पता ही नहीं चला वल्दान कब 8 मंथ्स के हो गए। और जो है वल्दान का फेवरेट फूड है, मतलब शौक से जो वल्दान खाते हैं वो बनाना है। वल्दान बनाना बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा मुझे आप लोगों से पूछना था कि आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं बच्चों को किस तरह की हेल्दी फूड दी जाए। मतलब मैं वल्दान के लिए खिचड़ी भी बनाती हूँ साबूदाना, मगर वल्दान जो है ना बिल्कुल भी नहीं खाते। और बस फिर वल्दान थका कर सो गए। चलें अब आप लोग भी सो जाएं और मैं भी सोती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आप सबको अल्लाह हाफिज़।